इसका कोई नियम दस्तूर नहीं होता है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे बिना नियम ऐसे कर सकते हैं ना। साई व्रत करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानना चाहिए, तो वो जानने के लिए मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। तो क्या लिख रहे, मुझे ना बिना मुझे ना चश्मा बिना दिखता नहीं है, ठीक है, मैं बाद में आप लोग का रिप्लाई दूंगी। थोड़े से आइस में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा कम दिखने लगता है फ्रेंड। तो अभी देखिए मैं जो बताने जा रही हूँ, साई व्रत की विधि बताने जा रही तो फ्रेंड अभी मैं वापस आ गई हूँ बाहर, थोड़ा से नेटवर्क नहीं आ रहे थे, नेटवर्क इशू हो रही है। तो फ्रेंड मैं आपको साई व्रत की विधि बता रही हूँ, क्योंकि अभी आज मेरा साई व्रत का 8वां दिन था, 8वां व्रत था। तो आप लोग भी देखिए और जानिए, क्योंकि जिन जिनको व्रत रखना होगा वो लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं कि इसमें निर्जला उपवास नहीं करते हैं, फलाहार या कुछ भी खा करके करते हैं, या तो बाद में खा सकते हैं शाम में, क्योंकि इसे ऐसे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साई जी सबका भला करते थे और दीन दुखों की मदद करते थे। फ्रेंड गलत कमेंट नहीं करेंगे प्लीज़, क्योंकि गलत कमेंट करने से तो फिर प्रॉब्लम सी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग को देख रहे हैं कि मैंने कमेंट देखा अभी चश्मे लगा करके, तो मेरे को थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे कैसे कैसे कमेंट आते हैं। लाइक का मतलब ये नहीं होता है किसी को फ्लर्ट करो, कमेंट करो बहुत ज़्यादा गंदे, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं अच्छा चीज़ बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, कोई भी जाति समुदाय का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है और सबके लिए अच्छी होती है। तो मैंने अभी रखा था और आप लोगों को वहीं से शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो नहा धो करके पीला कपड़ा पहनना होता है, पीला कपड़ा कुछ भी हो सकता है, वो आप ये साड़ी पहनी ड्रेस पहनी, या तो पीला होना चाहिए। साई व्रत के लिए एक शाली कपड़ा होता है, जो पीले कपड़े में भगवान को स्थापित किया जाता है। मूर्ति या तो फोटो, फोटो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, मूर्ति भी खंडित नहीं होनी चाहिए और फोटो भी क्रैक नहीं होनी चाहिए, और क्रैक है तो उसको सुधार लीजिए, उसको बनवा लीजिए, ताकि वो अच्छे उसको पूजा विधि अनुसार किया जा सकता है। भगवान साईं जी को जैसे मैंने कहा रेड रोज़ बहुत पसंद है, और रजनीगंधा का जो फूल है वो भी आप चढ़ा सकते हैं उनको, ठीक है। तो उनके साथ जो भी भगवान स्थापित है उनको भी आप साथ में भोग लगाएंगे, साथ में फूल चाहिए अर्पित करेंगे, क्योंकि साथ में हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो साथ के लोगों को तो देते हैं ना उस तरह से, तो उसी तरह से भले ही उनका पूजा आज नहीं है तो उनको भी साथ में बैठाया जाता है, उनको भी भोग लगाया जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो मैंने भोग लगाया है मिश्री वाला, जब भी उद्यापन किया जाता है उसमें भी सामर्थ्य के अनुसार ही भोग लगाते हैं, गरीबों को दान दिया जाता है, उनको भूखा लोगों को खिलाया जाता है भूखों को। तो मैं तो आप लोग मुझे एक कोशिश कीजिए कि मैं आप लोग के बीच में उस दिन आ पाऊँ, क्योंकि अभी भी मैंने बस फास्टिंग रखा हुआ, अभी मैंने व्रत नहीं तोड़ा है, क्योंकि अभी 8:45 होने जा रहा है, तो मैंने अभी फास्ट नहीं तोड़ा है। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से कि फास्ट नहीं टूटी है। तो इस तरह से व्रत रखते हैं, तो निर्जला व्रत नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ खा करके रखा जाता है, ठीक है। पीले वस्त्र पहनना है, पीले कपड़ा भगवान को भी चढ़ाना है और भगवान को भी पहनाना है, उनके फोटो